नमस्कार दोस्तों, प्रोडक्ट सीरीज में डक्स एआई टेक्नोलॉजी अपने एक और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रही है। आज नॉलेज शेयरिंग में हम आपको बताएंगे आज जीपीएस डिवाइस के बारे में कि जीपीएस डिवाइस किस तरह से काम करती है और हमारे पास जीपीएस डिवाइस में जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से हैं। देखिए, ये एक जीपीएस डिवाइस है, टाइम वॉच की डिवाइस है। एक बहुत ही सुंदर पैकिंग में है ये। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ डिवाइस को। ये देखिए, ये जो डिवाइस है वो इस तरह की पैकिंग में आती है। इस तरह की ये डिवाइस है, इसको अपन निकालते हैं तो ये इस तरह की डिवाइस नज़र आती है। ये डिवाइस है और ये इसका बैक पोर्शन है। यहाँ पे इसमें एक सिम का स्लॉट रहता है और एक यहाँ पे यूएसबी स्लॉट रहता है, एक माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट रहता है। अच्छा, इसके अलावा इसके जो कनेक्टिंग केबल्स आती हैं वो केबल्स हैं। ये इसके साथ में एक 12 वोल्ट का रिले आता है। ये एक पैनिक बटन आता है। पैनिक बटन के अलावा इसमें एक ड्राइवर की सीट के पास के लिए एक छोटा माइक आता है। इसमें हम M2M सिम लगा सकते हैं और साथ में जो हमारे फोन में जो सिम लगती है 3G, वो सिम भी इसमें लगा सकते हैं। तो एक हमारे पास ये GPS डिवाइस है जो आपको बताई, टाइम वॉच की है। दूसरा, इसके अलावा अगर हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो ये ट्रैक हिंद कंपनी का GPS डिवाइस है। इसमें ये एक डिवाइस का बॉक्स है, इसके अंदर डिवाइस जो आती है वो AIS 140 डिवाइस है, जो कि पूरे भारत में यानी कि ऑल इंडिया में जो गवर्नमेंट का सर्वर है, जिन स्टेट्स में ये कंपलसरी कर दिया है कि कॉमर्शियल व्हीकल्स में AIS 140 डिवाइस लगेगी, उनके लिए ये परफेक्ट डिवाइस है। इस डिवाइस के साथ में आपको ये पैनिक बटन मिलता है। ये पैनिक बटन है, इस बटन के साथ में अगर मैं इस बटन को आपको ओपन करके दिखाता हूँ तो इस बटन के साथ में जो है, हर बटन के साथ में 2.5 मीटर की एक केबल लगती है। इसके अलावा वो पैनिक बटन हम ओपन करके दिखाते हैं आपको, उस जब तक मैं आपको एक और डिवाइस बता देता हूँ। ये चीपेस्ट डिवाइस है, छोटी सी डिवाइस है। इसको आप 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में आप लगा सकते हैं। ये रीजेबल नहीं होती, यानी कि ये दिखाई नहीं देती। इसको पैनल के अंदर लगा सकते हैं इस डिवाइस को। ये छोटी सी डिवाइस है, माचिस की डब्बी जो आती है उतनी बड़ी डिवाइस है। इन डिवाइसों के साथ में हम हमारी जो क्यूक ट्रैकर एप्लीकेशन है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिलती है, क्यूक ट्रैकर एप्लीकेशन है वो फ्री मिलती है। उससे आप अपनी गाड़ी की ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग के अलावा आप पर डे का किलोमीटर, फ्यूल की आपकी स्टैटिक रिपोर्ट्स, स्टॉप पॉइंट, जियो फेंसिंग, ये फैसिलिटीज और रिपोर्ट आपको एक्सेल में और पीडीएफ में इंपोर्ट हो जाएंगी, ये आप निकाल सकते हैं। तो ये हमने 3 प्रोडक्ट बताए। अब हम आपको AIS 140 डिवाइस का जो पैनिक बटन है, SOS बटन है, वो दिखा देते हैं। ये बटन है, ये पैनिक बटन है और इसके साथ में ये जो केबल लगी हुई है, ये 2.5 मीटर की केबल है। इस केबल के साथ में ये कनेक्टर दिया जाता है। इस कनेक्टर की मदद से आप हर 2.5 मीटर के बाद में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आप इस तरह से मल्टीपल पैनिक बटन जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा जो आज जो हम बात कर रहे थे जीपीएस डिवाइस के बारे में, तो हमारे पास अभी 3 तरह की जीपीएस डिवाइस अवेलेबल है, जो कि आपके कॉमर्शियल व्हीकल, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर सभी में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। थैंक यू।